हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा कि आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पोहे का बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा नाश्ता। तो देखिए, मैंने इसे वॉश कर लिया है। मैंने इसे 2 से 3 बार वॉश करके एक तरफ रख रही हूँ, क्योंकि अभी अच्छे से भीगा नहीं है। तो मैं इसे 3 से 4 मिनट तक इसी तरह रख दूँगी। उसके बाद मैं इसका बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा नाश्ता बनाने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, आलू का और बहुत पोहे का आज मैं आपको बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही स्वादिष्ट नाश्ता बनाकर दिखाऊंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मिनट के लिए अपने पोहे को तरह ठंडा होने के लिए छोड़ दिया था। तो आप मैंने अपने पोहे को भिगो कर छोड़ दिया था ताकि अच्छे से भीग जाए। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, यह अच्छे से भीग चुका है। तरह आप इसे वो करेंगे तो यह अच्छे से भीग जाएगा। तो अब इसी कंडीशन में मैं इसमें डालूंगी कुछ मसाले। तो सबसे पहले मैंने अपने बॉइल्ड आलू लिया हुआ है 1 कटोरी। थोड़ी सी मैं इसमें हींग डाल देती हूँ, थोड़ा सा जीरा, और थोड़ी सी इसमें अब हम डालेंगे क्रश की हुई गाजर, और ये कुछ धनिया पत्ती हैं। आपके पास वेजिटेबल जो भी हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। ये मैंने धनिया पत्ती पहले से कट कर रखी थी, और अब मैं इसमें डालूंगी आलू। और फ्रेंड्स, अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर। देखा, आप जैसा खाते हैं वैसे इसमें डाल लीजिएगा। तो देखिए, मैंने लाल मिर्च, आप चाहो तो इसमें कुटी हुई मोटी मिर्च भी डाल सकते हैं। और ये मैं इसमें डाल रही हूँ ऑनियंस, 2 से 3 मैंने ऑनियन लिए हुए हैं। अब इसके अच्छा सा इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, जैसे डो तैयार होता है इसी तरह मैं इसे तैयार कर लूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार मैंने अपने इस मेथड को तैयार कर लिया है। अब आप इसको किसी भी प्रकार की इसका नाश्ता बना सकती हैं। तो मैं पहले अपने हाथ पर हल्का सा चिकनाई लगा लेती हूँ, और फिर इस नाश्ते को अच्छे से लड्डू की तरह बढ़ा लेती हूँ। मैं इसे टिक्की का आकार दे रही हूँ, आप चाहो तो इसे चकोटा भी आकार दे सकते हैं, या फिर लंबाई में सिलेंडर टाइप भी बना सकते हैं। प्रकार इसे बनाकर मैं प्लेट में रख लूँगी। बस आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि चारों तरफ से ये फटी हुई ना हो बिल्कुल भी। इसे अच्छे से चारों तरफ से प्रकार बना लें। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने अपने पोहे की और आलू की टिक्कियाँ बनाकर तैयार कर ली हैं। ये मैंने कॉर्नफ्लेक्स लिए हुए हैं, इन्हें हम बारीक क्रश कर लेते हैं। आप चाहो तो इसे एक बार मिक्सी में ग्राइंड भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं एक तरफ हमारा ऑयल भी अच्छे से गर्म हो चुका है, और हमने अपने ये कॉर्नफ्लेक्स हैं उन्हें भी बारीक बारीक हाथों से क्रश कर लिया है। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कॉर्नफ्लोर लिया हुआ है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हो, इससे आपका नाश्ता काफ़ी क्रिस्पी बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, आप कॉर्नफ्लोर की जगह मैदा भी ले सकते हैं, मैदे से भी आपका काफ़ी अच्छा यह नाश्ता बनकर तैयार होगा। तो देखिए, मैंने इसे अच्छे से घोल लिया है, और अब अपने नाश्ते को एक टिक्की उठाएंगे और कॉर्नफ्लोर में डिप करेंगे, और जो आपने फ्लेक्स लिए हुए हैं इसमें एक बार अच्छे से इसे डिप कर लेंगे। जो चारों तरफ ये लग जाए तो इसे ऑयल में छोड़ देंगे। तो धीरे धीरे मैं इसे अब ऑयल में छोड़ दूँगी। सभी के नाश्ते को आपने इसी तरह प्रकार करना है। एक बार आपको अपने इसमें डिप करने हैं, और फिर इन पर कॉर्नफ्लेक्स लगाने हैं, और इन्हें ऑयल में छोड़ देना है। और अब मैं इसे धीरे धीरे पका लूँगी। तो देखिए, हमारी यह है स्वादिष्ट नाश्ता और बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हैं, आप चाहो तो इन्हें और भी तल सकते हो, लेकिन इतना भी काफ़ी है। यह काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छा बनकर तैयार होता है। इस प्रकार आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार खाएंगे तो आप बार बार बनाकर इसे खाएंगी। ये खाने में बहुत ही टेस्टी और बहुत ही यम्मी बनकर तैयार होता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये नाश्ते फ्राई हो चुके हैं। आप देख सकते हो इनका कितना बढ़िया लुक आया हुआ है। देखिए, यह काफ़ी क्रिस्पी और काफ़ी अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। आप इन्हें एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एक बार इन्हें बनाएंगे तो आप बार बार बनाकर खाएंगे। तो देखिए, मैंने सभी अपने नाश्तों को निकाल लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बनकर तैयार हो चुका है। आप देख सकते हो यह दिखने में भी कितना बढ़िया लग रहा है। जैसे डोमिनोज से आप नाश्ते मंगवाते हैं, उस तरह का क्रिस्पी और कुरकुरा बहुत ही टेस्टी और बहुत ही बढ़िया बना हुआ है। इनमें से मैं एक आपको इनमें से तोड़ के भी दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, यह दिखने में कितना लाजवाब और कितना बढ़िया दिख रहा है। देखिए,
और अंदर से भी कितना बढ़िया है आप देख सकते हो। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो कभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक नई रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।